हजारों साल पहले किसी वन में एक बुद्धिमान बंदर रहता था। वो हजार बंदरों का राजा भी था। एक दिन वो और उसके साथी वन में कूदते फांदते ऐसी जगह पर पहुंचे जिसके निकट क्षेत्र में कहीं भी पानी नहीं था। नई जगह और नए परिवेश में प्यास से व्याकुल नन्हे वानरों के बच्चे और उनकी माताओं को तड़पते देख उसने अपने अनुचरों को तत्काल ही पानी के किसी स्रोत को ढूंढने की आज्ञा दी। कुछ ही समय के बाद उन लोगों ने एक जलाशय ढूंढ निकाला। प्यासे बंदरों की जलाशय में कूदकर अपनी प्यास बुझाने की आतुरता को देखकर वानर राज ने उन्हें रुकने की चेतावनी दी, क्योंकि वे उस नए स्थान से अनभिज्ञ था। अतः उसने अपने अनुचरों के साथ जलाशय और उसके तटों का सूक्ष्म निरीक्षण व परीक्षण किया। कुछ ही समय बाद उसने कुछ ऐसे पथ चिन्हों को देखा जो जलाशय को उन्मुक्त तो थे मगर जलाशय से बाहर को नहीं लौटे थे। बुद्धिमान वानर ने तत्काल ही ये निष्कर्ष निकाला कि उस जलाशय में निश्चय ही किसी खतरनाक दैत्य जैसे प्राणी का वास था। जलाशय में दैत्य वास की सूचना पाकर सारे ही बंदर हताश हो गए। तब बुद्धिमान वानर ने उनको हिम्मत बंधाते हुए ये कहा कि वे दैत्य के जलाशय से फिर भी अपनी प्यास बुझा सकते हैं, क्योंकि जलाशय के चारों ओर बेंत के जंगल थे जिन्हें तोड़कर वे उनकी नली से सुड़क सुड़क कर पानी भी पी सकते थे। सारे बंदरों ने ऐसा ही किया और अपनी प्यास बुझा ली। जलाशय में रहता दैत्य उन्हें देखता रहा, मगर क्योंकि उसकी शक्ति जलाशय तक ही सीमित थी वो उन बंदरों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। प्यास बुझाकर सारे बंदर फिर से अपने वन को खुशी खुशी लौट गए।